أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلابي عزيز इल्मुल कलाम के दर्स में हम आजकल फिजा के अंदर मौजूद अजाइबात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज तक हमने दो चार अजाइबात का ज़िक्र किया, जिनमें सबसे ये था कि जो बौद मकानी है, बौद मकानी, बौद मक फिजाओं में बौद डिस्टेंस, दूरा, दूर कोई जगह, दूरी, बौद दूरी, बौद मकानी जो है वो बराबर है बौद जमानी के। ये स्पेस यानी डिस्टेंस को जाहिर करता है और ये टाइम को जाहिर करता है। ये इसका मतलब है द फार्दर यू लुक आउट, द फार्दर यू लुक आउट फर्दर यू गो इन टाइम, फर्दर बैक यू गो इन टाइम। जितना आगे की तरफ आप जाएंगे स्पेस के अंदर, उतना ही आप ज़माने के एतबार से पीछे जा रहे हैं, फारदर बैक, पीछे की तरफ जाते हैं इन टाइम, यानी माजी में चले जाते हैं। जितना लाइट ईयर्स ये होगा, उतना लाइट ईयर्स नहीं बल्कि ज़माना ईयर्स के अंदर पीछे चले जाएंगे। अगर आप बिग बैंग पर चले जाएंगे, मिसाल के तौर पर तकरीबन 14 बिलियन लाइट ईयर्स, तो आप इसमें जा रहे हैं कहां तक? आप जा रहे हैं 14 बिलियन ईयर्स पीछे। गोया उसका मतलब है बिग बैंग जो हुआ है उसकी असेसमेंट की गई है करीब, नियरली, अप्रोक्सीमेटली 14 बिलियन ईयर्स बिफोर, यानी पास्ट में, माजी में ये की। और हमने कहा कि ये सबसे बड़ा अजूबा है किसका, किसका, स्पेस का सबसे बड़ा अजूबा। और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ क्या बताई थी, दूसरी चीज़ हमने बताई थी, हाँ बताइए, कॉसर्स के बारे में, कॉसर के बारे में हमने बताया था, सबसे बड़ी, सबसे ब्राइट कॉसर जो है वो कौन सा है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने कहा सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है, ब्लैक होल कौन सा है, और ब्लैक होल उसमें कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है,
कि वो पूरी मिल्की वे को और पूरी एंड्रोमीडा गैलेक्सी को, दोनों गैलेक्सीज को एक सेकंड के अंदर निगल सकता है। ना नाम निशान रहेगा मिल्की वे का और ना नाम निशान रहेगा एंड्रोमीडा गैलेक्सी का, इतनी उसमें ताकत है। और उसमें कितने हमारे जैसे सूर्यों की जगह है, 66 सन्स, हमारे सूर्य जितने, इतनी जगह देखिए, इतने बराबर है वो बड़ा। तो उसके बाद हमने बात की थी, उसके बाद बात की थी हमने अपने सुपरनोवा की और नेब्यूला फॉर्मेशन की। सुपरनोवा हो जाता है एक्सप्लोजन और उसमें से पैदा हो जाता है नेब्यूला, जो कि लाइट पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, रोशनी के पार्टिकल्स, और उनसे नए नए सितारे जन्म लेते हैं। जहाँ एक मरता है वहाँ बहुत सारे नए पैदा होते हैं। तो ये चौथा और पांचवा हमने बताया था, और फिर छठे पर भी आ गए थे और कहा था जहाँ के हमारे मटेरियल्स का मैटर पाया जाता है, हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ में मैटर है, हर चीज़ के अंदर मैटर है, और मैटर का सबसे छोटा ज़रा जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटमिक पार्टिकल, वो है एटम। और उसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बहुत हल्की सी शैल पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स में इनकी तादाद मुकर्रर है, ये तब्दील नहीं हो सकती। तो इसमें हमने कहा था अजीब बात क्या है, अजीब बात यह है कि इसके साथ साथ लगे हुए काम में एंटी मैटर, और वो भी एटमिक पार्टिकल्स हैं एंटी मैटर। अब ये एंटी मैटर जो है, ये एंटी मैटर मादा परस्तों के सभी दलाइल को बातिल करता है, क्योंकि अगर मादा सब कुछ है और मादा ही खालिक भी है, मादे ने ही सब कुछ किया है, अगर न शऊर है इसमें, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, तो फिर अब जब एंटी मैटर भी आएगा तो मानना पड़ेगा मादा परस्त को, फिर एंटी मैटर ने अपना दुश्मन खुद पैदा किया। और क्या ऐसा मुमकिन है? आकलन ये मुमकिन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दलील है जो मटेरियलिस्ट के खिलाफ और अल्लाह के वजूद के हक में पेश की जा सकती, मैटर एंड एंटी मैटर। और इसमें भी एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसमें भी एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है कि नहीं? इसमें भी वही तादाद होती है और इसमें भी वही तादाद होती है ज़र्रात की, लेकिन इसमें अगर खासियत है एक, इसकी अपोजिट है इसमें। इन दोनों की खासियतें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इनमें ख़राबी ये है कि ये पास पास नहीं आते, लेकिन अगर आएंगे कभी कभी कोलाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, बोथ ऑफ देम विल बी डिस्ट्रॉयड। और अगर ऐसा होगा तो पूरी की पूरी कायनात जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ भी हमारी जो ये है ना रूहानी थ्योरीज, उनको साबित करता है। तो ये सबसे बड़ी दलील हक में, किस चीज़ के हक में? अल्लाह के वजूद के हक में, और मटेरियलिस्ट के खिलाफ। उसके बाद एक और चीज़ है, इनके बारे में बहुत दरियाफ्त हुआ है, इनके बारे में पता लगाया गया है, ये क्यों होता है, क्या काम होते वगैरह वगैरह। तो और इनको जो ये मैटर और एंटी मैटर है, इनको दरियाफ्त किया गया है, जब ये कोलिजन होता है, जब सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस वक्त इनसे रेडिएशन निकलती है, निकलेगी, और वो रेडिएशन आपको पता है एक्स रेज हैं, इन्फ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, लेकिन इनसे जो रेज निकलेंगी रेडिएशन, वो गामा रेज कहलाती हैं, गामा, GAMA, गामा, ये है उसकी सिंबल, गामा रेज निकलती हैं। और ये 1920 में ये सब कुछ डिस्कवरी हो गई, आज से पूरा 100 साल पहले 1920 में, ये ताज़ा नहीं है, 100 साल पहले की दरियाफ्त, 100 साल पहले की दरियाफ्त। और ये मादा परस लोग शर्माती भी नहीं हैं कि 100 साल पहले हमारी थ्योरी बातिल हो चुकी है और हम फिर भी रट लगाए हुए हैं मादे की। हालांकि 100 साल हो गए, 100 और 101
2021 101वां साल है ना, 101 साल, अब 101 साल, 101 साल पहले ये दरियाफ्त हो गई साइंस के फील्ड के अंदर। माता पारस साइंस की वकील हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि हमारे साइंस ने क्या दरियाफ्त किया हुआ है 100 साल पहले। तो बहरहाल उसके आगे एक और चीज़ है और उसके बारे में अभी तक पता नहीं वो क्या है, और वो है डार्क मैटर। वो भी मादा है लेकिन सियाह, सियाह मादा, सियाह मादा, सियाह मादा। ये जो सियाह मादा है इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, ये समझ नहीं आ रहा है, ये कोई मिस्टीरियस है, मिस्ट्री, मिस्ट्री है, इसमें कोई राज है, मिस्टीरियस ये वजूद है जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं। इट इज़ ए मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस, डार्क मैटर, सियाह मादा होता है। और ये सियाह क्यों होता है? क्योंकि डार्क मैटर में एक खासियत है कि ना वो रोशनी को जज़्ब करता है, जो रोशनी है ना लाइट, हर चीज़ रोशनी को जज़्ब करती है, हर चीज़ रोशनी को जज़्ब करती है, और रोशनी में से कुछ रंगों को जज़्ब नहीं करती। मिसाल के तौर पर यह है कि हम किस रंग का है, रेड कलर का है ना, तो जो लाइट के सात कलर्स हैं यहाँ, ये सरफेस हर कलर को जज़्ब करता है, लेकिन एक कलर को जज़्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। जब इसमें से रेड कलर, रेड कलर ऑफ लाइट, लाइट में सात रंग होते हैं ना, और उसके अलावा होता है इन्फ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, यानी नौ कलर्स, दो देखे नहीं जाते, तो सब कलर्स को ये जज़्ब करेगा लेकिन रेड को जज़्ब नहीं करता है, तो रेड वापस चला जाता है। वो लाइट आ गई, इस पर टकरा गई, इसने सात के सात, छः के छः रंग देखे जाने वाले जज्ब किए, एक को छोड़ दिया, रेड को छोड़ दिया, वो रेड आपकी आँखों पर चला गया वापस, और आपकी आंखों ने कहा इसका रंग रेड है, हालांकि इसका रंग रेड नहीं होता है, किसी चीज़ का कोई रंग नहीं होता, ये खासियत होती है या रिफ्लेक्ट बैक करने की। कलर क्या होता है? कलर होता है दो चीज़ें, या जज़्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रंगों को एब्जॉर्ब करता है, या रिफ्लेक्ट करेगा, वापस छोड़ेगा, वापस रिफ्लेक्ट करेगा, कोई रंग वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई रंग एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो देखी नहीं जाएगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब किया इसने, लेकिन जो रंग ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो आप देख सकते हैं क्योंकि वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है, जैसे मिरर में से सन रे वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट होता है और हम इस रिफ्लेक्टेड रेज को देखते हैं, रिफ्लेक्टेड कलर को देखते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड मुनाकिस किया हुआ रंग है इसको हम देखते हैं और हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का कलर यही है, हालांकि ये कलर भी इसका असल में नहीं है, ये इसको जज़्ब नहीं कर सकता, हज़म नहीं होता इससे, बाकी सब रंग हज़म हो जाते हैं, हज़म यानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है कि नहीं। जो चीज़ जिस रंग की होती है वो उसका रंग नहीं होता है, वो चीज़ उस रंग को जज़्ब नहीं कर सकता, बाकी रंगों को जज़्ब करता है, ठीक है। रंग यही है, हर चीज़ का यही उसूल यही है, रंगों की कायनात में उसूल यही है, लेकिन ये जो डार्क मैटर है इसमें खासियत है, ना ये एब्जॉर्ब करता है और ना रिफ्लेक्ट बैक करता है, गोया रिफ्लेक्ट बैक ना करने की वजह से इसको डार्क कहते हैं, क्योंकि किसी रंग को वापस नहीं छोड़ता और ना किसी रंग को एब्जॉर्ब करता है, कोई इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं है रंग के साथ, रंग और डार्क के साथ आपस में रिलेशन कोई बनती ही नहीं है। लिहाजा चूंकि रंग के साथ कोई रिलेशन नहीं बनती, ना एब्जॉर्ब होने की, जज्ब करने की, और ना मुनाकिस करने की, रिफ्लेक्ट करने की, इसलिए ये सियाह है और इसको सियाह मादा कहा जाता है। और ये सियाह मादा जो है तो इसकी वजह से कहीं कहीं स्पेस में हमें काले धब्बे दिखते हैं, काले धब्बे दिखते, ये हर जगह मौजूद है लेकिन हम देख नहीं सकते,
ये हर जगह मौजूद है लेकिन हम देख नहीं सकते, इसका कोई कलर नहीं। तो जब कहीं फिजा के अंदर, स्पेस के अंदर इसके बहुत सारी मकदार होगी तो वहाँ काला धब्बा दिखता है। तो कई गैलेक्सीज में ब्लैक होल के थोड़ा बाहर इर्द गिर्द में एक सर्कल दिखाया जाता है, देखा जाता है, जो कि काले रंग का है, और वो असल में होता है ब्लैक मैटर। और ये ब्लैक मैटर क्या है, इसकी जगह क्या है कायनात में, इसकी प्रॉपर्टीज इन दो चीज़ों के बगैर क्या है, ये सब कुछ पता नहीं अभी तक, अभी तक ये सब कुछ पता नहीं है। इस बात के बावजूद कि कहते हैं साइंस कहीं की कहीं पहुंच गई, और ये एक मामूली सी बात अभी तक साइंस के ग्रिप में, साइंस की पकड़ में नहीं आ रही, यानी साइंस और साइंसदान अभी वजाहत नहीं कर पा रहे हैं कि ये डार्क मैटर जो है ये क्या है। लेकिन इतनी भी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने डार्क मैटर का पता बता दिया कि डार्क मैटर है, ये उनकी मेहरबानी। लेकिन अभी तक साइंसी तरक्की के बावजूद इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, इनका रोल, इनका वेट, इनका वॉल्यूम, ये सब कुछ अभी सेगे राज में है। और ऐसे पता नहीं कितने सेगे राज में होंगे अभी इस कायनात के अंदर, बेशुमार सेगे राज में होंगे, ये एक एक राज जाहिर होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो गोया ये भी एक अजूबा है, डार्क मैटर का मसला जो है, ये डार्क मैटर भी एक अजूबा है जो साबित करता है कि मैटर वाले मैटीरियलिस्ट वो अभी तक कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि ये मैटर, डार्क मैटर जो है ये किसने पैदा किया, क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं ये क्या है। तो वो ये कह नहीं सकते हैं ना कि ये भी मैटर ने पैदा किया, कह ही नहीं सकते, लेकिन है मौजूद और उनके ही साइंसदानों ने बता दिया, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन हमारे लिए ये भी एक दलील बनती है कि मैटर बहुत बहुत मोहताज है, बहुत मोहताज है कि हम उसे कहें कि ये खालिक है चीज़ों का, वो बहुत मोहताज है, मोहताज है चीज़ों का, उसके पास इल्म नहीं तो हमें कहाँ बताएगा, ना इल्म है, ना इरादा है, ना कुव्वत है, ना कुछ है, बेजान है। तब भी मटेरियल्स कहते हैं कि चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा अभी टाइम है, थोड़ा सा अगली चीज़ जो है वो भी बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा अजूबा है, और वो है एक किस्म के ज़र्रे। कायनात में एक किस्म के ज़र्रे पाए जाते हैं, उनका नाम मैं अभी बताता हूँ। उनमें ख़ासियत है कि वो गुज़र सकते हैं, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, वो गुज़र सकते हैं, आपको पता है मीलों तक गुज़र सकते हैं अगर उनके सामने शीशे का पहाड़ खड़ा किया जाए, शीशे का एक पहाड़ खड़ा किया जाए उनके सामने। शीशा जानते हैं ना क्या होता है, जो कश्मीरी में नाग कहते हैं, नाग जो पिघला के डाला जाता है जोड़ लगाने के लिए, शीशा। अब शीशा एक मेटल एक धात है कि नहीं। तो उस धात के बीच से गुजरता है मीलों तक, और वो रास्ता नहीं रोक पा रहा, नहीं रोक सकता इन ज़र्रात को। और ये भी बहुत बड़ी दरियाफ्त है, और ये भी बहुत बड़ा अजूबा है। और वो कौन से ज़र्रात हैं, उनको कहते हैं NUTRI, न्यूट्रिनोस इनको कहते हैं, और ये फैंटम ज़र्रे होते हैं। आपने फैंटम का नाम सुना होगा, फैंटम, ये फैंटम पार्टिकल्स होते हैं। फैंटम पार्टिकल्स बेशुमार चीज़ें होती हैं स्पेस के अंदर, बेशुमार चीज़ें। ये फैंटम पार्टिकल्स जो होते हैं, तो इनकी ख़ास खसूसियत है कि कायनात में हर चीज़ का कुछ ना कुछ हजम है, मास होता है। मास इसका कितना मास है जी, ये 3 किलो के बराबर मास। ये जो है ये न्यूट्रिनोस,
ये मैसलेस होते हैं, मास लेस, इनका कोई मास ही नहीं, इनका मास ही नहीं है, और मास न होने के बराबर बजाय भी ये बीच से गुजरते हैं, हर चीज के बीच से, मैचलेस पार्टिकल्स। और ये एलिमेंट्री ज़रात होते हैं, एलिमेंट्री सेकेंडरी नहीं, एलिमेंट्री ज़रात बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं ये। तो ये कब पैदा होते हैं, हमने कहा था जो सुपरनोवा होता है क्या हो जाता है, धमाका किस चीज़ का होता है, सितारों का। जब सितारे धमाके से फट जाते हैं उस वक्त ये पैदा हो जाते हैं। कहाँ से पैदा हो जाते हैं ये मालूम नहीं, लेकिन पैदा हो जाते हैं, मैसलेस हैं और ताकत है कि बीच से गुजर सकते हैं, फैंटम पार्टिकल्स हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अजूबा, अगर सितारा टूट फूट जाए, धमाके का शिकार हो जाए, फैंटम ज़रात कहाँ से निकलते हैं, पहले तो नहीं थे उसमें, ये कहाँ से बीच में आ गए, ये सवालात हैं जिन सवालात का जवाब आसानी के साथ अक्ल नहीं दे सकती है। धीरे धीरे जब अक्ल कामिल हो जाएगी, ज़माना बज़माना अक्ल भी बालिग होती जाती है, पुख्ता होती जाती है, एक ज़माना मुमकिन है जब इल्म बहुत तरक्की करेगा तो ये भेद भी खुल जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक इसका भेद भी बहुत हद तक सरबस्ता है, अभी पूरा पता नहीं। सिर्फ ये दो तीन बातें इसके बारे में पता लगी हैं, बाकी कुछ पता नहीं। तो इसके बाद एक और चीज़, और वो है इस सारी कायनात के अंदर हम सुनते नहीं, लेकिन एक शोर चल रहा है, एक नॉइज़ चल रहा है, किन चीज़ों का, एक किस्म की लहरों का, तमाम कायनात में हर जगह एक ही किस्म का शोर चल रहा है। और वो शोर अगर हमारे पास औजार हों, इंस्ट्रूमेंट्स हों, सुना जा सकता है, हर लम्हा हर वक्त एक शोर चलता रहता है। और वो शोर कब से शुरू हुआ है, बिग बैंग की वजह से, जब सो बड़ा वाला धमाका हो गया, जिसे कि कहते हैं, ये साइंसदानों का कहना है, हमारा ये अकीदा नहीं है। तो जब से वो हो गया तो तब से लेके उस धमाके से चारों तरफ, बल्कि छः के छः तरफ लहरें चली गई, लहरें, और वो लहरें रुक नहीं रही हैं, जहाँ जहाँ कायनात है वहाँ तक वो पहुँच रही हैं और रुक नहीं रहे, हमेशा बिदवाम कॉन्टीन्यूसली वो शोर जारी है पूरे फिज़ा में। और वो शोर जिन लहरों का है उनका नाम ये है सी एम बी। और जो ये साइंटिस्ट हैं बिग बैंग थ्योरी वाले, वो इस चीज़ को बहुत बड़ा सबूत पेश करते हैं, किस चीज़ का, बिग बैंग का। वो कहते हैं ये हमारा सबूत है कि बिग बैंग हो चुका है कभी, और उसी वजह से कायनात वजूद में आ गई है। और वो CMB क्या होता है, इसका नाम है कॉस्मिक, यह है इसका एब्रिविएशन, यह है कॉस्मिक। कॉस्मिक यानी पूरे कॉस्मोस में है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नहीं, बल्कि पूरे कायनात में, पूरे कॉस्मोस में। कॉस्मोस कितना गुना है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, उससे बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो कितना, भूल जाते हो, कल ही बता दिया मैंने, अभी एक रात भी बीच में नहीं गई। 250 times, 250 गुना कॉस्मोस है। इस पूरे कॉस्मोस में ये रेज है, इसको कॉस्मिक कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव होती है। बेटा ज़रा ये दे देना ये पेन, आपने मेरा काम ही बंद कर दिया। कॉस्मिक माइक्रोवेव, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी हर जगह है ये बैकग्राउंड। जो स्पेस है, स्पेस के बैकग्राउंड में, स्पेस के पस मंजर में ये कॉस्मिक माइक्रोवेव्स हैं, इसलिए इनको
CMB कहा जाता है। तो ये क्या है, हमने कहा ये लेफ्ट ओवर है बिग बैंग का, उस शदीद अवलीन इन्फिजार का बाकियात सालिहात है, ये पीछे रह गया है, उसी का हमारे पास वरिसा, ये आ गया हमारे पास। और ये जो है ये पूरे फिज़ा को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भर जाता है। ये भरा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है पूरे कायनात का, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैकग्राउंड जो है फील्ड, वो इन ही रेज की वजह से और हर जगह। और इसकी दरियाफ्त भी बहुत पहले हुई है, 1965 में इसकी दरियाफ्त हो गई है। ठीक है, आगे चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।